राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इस यात्रा के तहत हर ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार की 17 स्कीम्स हैं उनका फायदा दिया जा रहा है। इन स्कीम्स का काफ़ी संख्या में तो लाभ लोगों को मिल चुका है, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग बचे हुए हैं तो उनको इन शिविरों के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। मुझे खुशी है कि ग्रामीण बढ़ चढ़कर इन शिविरों में भाग ले रहे हैं और साथ में स्कीम्स का फायदा भी दे रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि झुंझुनू जिले में कुछ स्कीम में झुंझुनू जिला राजस्थान में प्रथम नंबर पर है और हमारी कोशिश है कि इन शिविरों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति लाभ लेने से पीछे नहीं छूटे और सभी लोग इसका लाभ। कैंपों में क्या समस्या ज्यादा आ रही है? कैंपों में हर तरह की समस्याएं हैं। बेसिकली अभी जैसे आप देखें तो रेवेन्यू के मामले में झुंझुनू में रास्तों के विवाद काफ़ी हैं और मेरी कोशिश है कि कुछ आपसे समझाइश के माध्यम से ये की जाए और जहां पर कानून की शक्ति की आवश्यकता होगी तो हम कानून की शक्ति के साथ कार्रवाई। झुंझुनू जिला कलेक्टर क्या चाहते हैं? औचक निरीक्षण भी सख्त है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार, सभी का ये कहना है कि प्रशासन पब्लिक के साथ रहे, पब्लिक का सहयोग करे, पब्लिक के आमजन के समस्याओं को सुने, तो हम संवेदनशील हों। इसी चक्कर में मैं जितनी भी कोशिश होती है कि समय पे कर्मचारी और अधिकारी अपने ऑफिस में आएं, जनता की सुनवाई करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ते हैं वो कदम उठाए जाएं।